हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। क्या आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी व्हीकल के ऑनरशिप ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्हीकल की ऑनरशिप के लिए ट्रांसफ़र करना है, तो अगर आपकी गाड़ी लोन पर आपने ली होती है, तो उसके साथ ही आपको हाइपोथेकेशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके साथ ही अगर आपकी ओरिजिनल आरसी नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपको डुप्लीकेट आरसी के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस को आप एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी लोन पर, तो हाइपोथेकेशन और ऑनरशिप ट्रांसफ़र दोनों के लिए आप साथ में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे केस में हमारी गाड़ी हाइपोथेकेशन के लिए अप्लाई हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी की आरसी नहीं है, तो हम यहाँ पर डुप्लीकेट आरसी के लिए साथ में अप्लाई करेंगे। तो हमें डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म नंबर 26 और हमारी जो एफआईआर लगती है, उससे अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं केवल, तो फॉर्म नंबर 26 और एफआईआर को इग्नोर करेंगे। बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी ऑनरशिप ट्रांसफ़र के लिए। अगर आप हाइपोथेकेशन के लिए साथ में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर 35 बढ़ जाएगा, जो कि आपकी फाइनेंसियर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम एनओसी भी बोलते हैं, कि आपका पूरा फाइनेंस क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर्म नंबर 35 आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको अप्लाई करना होगा। बाकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र की प्रोसेस आप आगे वीडियो में देख कर सीख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ ही आपको उसकी एक फ़ाइल कैसे तैयार करनी है और सारे फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफ़र की फ़ीस काटने के लिए या फिर ट्रांसफ़र की फ़ाइल ऑनलाइन करने के लिए आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने आरटीओ को सिलेक्ट करते हुए प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप चेंज एड्रेस। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपकी आरसी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट, इस पर क्लिक करके आप अपनी आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आरसी में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, आप ट्रांसफ़र के लिए अपडेट नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफ़र अपडेट करने से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो नंबर अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई ट्रांसफ़र इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना व्हीकल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने चेंजेस के लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर डाल देने और वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके आरसी में लिंक मोबाइल नंबर है, उसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर मैच होता है, तो यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर मैच ना होता है, तो पहले आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर लीजिए। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके लिंक मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर ओटीपी आपको दर्ज करना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म दिखाई देंगे। जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, ट्रांसफर ऑनरशिप, इसमें आप अगर किसी को गाड़ी बेच देते हैं, तो उसकी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ हाइप, तो अगर आपने जो गाड़ी लोन पे ली थी, उसकी अगर आप दूसरी आरसी निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोन पे ली हुई गाड़ी होती है, उसकी आरसी पे यहाँ पर जो आपके फाइनेंसियर होता है, उसका नाम लिखा होता है। तो जब आपका लोन क्लियर हो जाता है, तो उस पर आप दूसरी आरसी निकलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेकेशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है, जिसकी कोई फीस नहीं कटती है। उसके बाद अगर आपकी आरसी खो जाती है, तो आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरसी में अगर आप अपना एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंज ऑफ एड्रेस की फीस को काटेंगे। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ के लिए अप्लाई करना है, एक तो हमें अपनी फाइल भी ट्रांसफ़र करनी है, दूसरा हमें यहाँ पर हमारे पास आरसी नहीं है, तो हमें डुप्लीकेट आरसी के लिए भी अप्लाई करना होगा। दोनों की फीस हमारी अलग अलग कटेगी, और जिसमें हमने डुप्लीकेट आरसी को चुना, तो हमें यहाँ पर केवल एक एफआईआर बढ़ जाएगी। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, तो केवल आप ट्रांसफ़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारे दो ऑप्शन आ गए हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप डिटेल्स एंड डुप्लीकेट आरसी डिटेल्स। हमें सबसे पहले अपनी ट्रांसफ़र ऑनरशिप की डिटेल्स को फिल करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा, जिसमें हमें बायर की डिटेल्स फिल करनी होगी। जिस बायर को हम ट्रांसफरी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो बायर है, उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्पस सिलेक्ट करना होगा। आपने जो गाड़ी है वो सेल की है, तो यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑनर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद न्यू ऑनर का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। ऑनरशिप टैब में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद न्यू ऑनर का यहाँ पर आपको फादर नेम फिल कर देना है। उनकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल एससी।
ओबीसी जो भी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल अमाउंट फिल करनी होगी, कितनी अमाउंट में आपने जो है गाड़ी सेल की है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल डेट फिल करनी होगी जो कि आपके फॉर्म नंबर 29 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर्म नंबर 29 और 30 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी पूरी फाइल तैयार कैसे करते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी सेल डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर जो बायर है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और उसके बाद ओटीपी को भेजकर उस नंबर को वेरीफाई भी करना होगा। यहाँ पर न्यू बायर है उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लीज जनरेट ओटीपी टू वैलिडेट न्यू ऑनर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपने न्यू ऑनर का मोबाइल नंबर अभी दर्ज किया उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, आप यहां पर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं न्यू बायर, तो अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो न्यू बायर का जो भी कोई रिलेशनशिप में है जैसे उसका फादर मदर या फिर वाइफ या बच्चे किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहता है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके आधार के अकॉर्डिंग नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर देंगे, अदरवाइज इसे नो रहने देंगे। और नीचे आपको स्क्रॉल करना है, अब यहाँ पर आपको जो वायर है उनका एड्रेस फिल करना होगा, तो इस साइड आपको करंट एड्रेस फिल करना है, इस साइड आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो पहले आप यहाँ पर करंट एड्रेस फिल कर दीजिए, अगर आपके दोनों सेम होते हैं तो आपको सेम एज करंट एड्रेस इस पर क्लिक करना है तो परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी, तो हमारा इंश्योरेंस वगैरह सब ठीक है। एक बात मैं और आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारा जो इंश्योरेंस है वो जब तक नहीं होगा तब तक आप गाड़ी ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारा इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारी फीस डिटेल्स आ रही है, जिसमें हमने दो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, डुप्लीकेट आरसी और ऑनरशिप ट्रांसफर, तो इसमें हमारी 150-300 रुपये फीस कटेगी। अगर केवल आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल यहाँ पर आपकी 150 रुपये फीस होगी। तो हमारे यहाँ पर जो ऑनरशिप ट्रांसफर की वो डिटेल्स फिल हो चुकी है, अब हम डुप्लीकेट आरसी क्यों इशू कराना चाहते हैं उसकी डिटेल्स हमें फिल करनी होगी, तो ऊपर डुप्लीकेट आरसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा कि आप आरसी डुप्लीकेट जो क्यों इशू कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कई रीजन्स मिल जाएंगे, तो हमारी आरसी जो खो गई है तो हम लॉस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा रीजन लॉस्ट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट किया होगा तो हमारा एक LRN करके एक नंबर होगा, पुलिस कंप्लेंट नंबर वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। वैसे ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला थंबनेल रहेगा, तो उसे देखकर आप लॉस्ट आर्टिकल की FIR ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लेंट डेट फिल करनी है, कब आपने कंप्लेंट की थी, किस थाने में आपने कंप्लेंट की थी, यानी जो आपने ऑनलाइन FIR की थी वो किस थाने के अकॉर्डिंग की थी, वो थाना यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद हमें केवल डुप्लीकेट आरसी में इतनी ही डिटेल्स को फिल करना है। अब हमारी दोनों डिटेल्स जो है सक्सेसफुली फिल हो चुकी हैं। अब सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमें सेव एज ड्राफ्ट इस पर क्लिक कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ड्राफ्ट में। तो हमें सबसे पहले इस एप्लीकेशन नंबर का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, उसके बाद यहाँ पर इसे ओके कर देना और उससे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मिल गया, तो हमें यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद हमने जो डिटेल्स फिल की है उसका कंफर्मेशन पूछा जाएगा, तो आपने जो भी डिटेल्स फिल की न्यू ओनर की डिटेल्स साथ ही उनका एड्रेस वो कंफर्म करेंगे, डुप्लीकेट आरसी से रिलेटेड हमने डिटेल्स फिल की है उसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप यहां पर आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस इस पर टिक कर देंगे। करने के बाद यहां पर आपको कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। कंफर्म डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहां पर आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो यहां पर आपको पेमेंट गेटवे में SBI को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको UPI ऑप्शन नहीं मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग, अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, साथ ही आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है, अगेन से कन्फर्म करना है और यहाँ पर आपको अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स को फिल करके अपनी 300 रुपए की फीस पेमेंट कर देनी है। अगर आप केवल ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपए का फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। हमने यहाँ पर जो है अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट करना होता है। तो स्टेप वन में आप देखेंगे हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 30 और रिसिप्ट, तो यहाँ पर आपको केवल रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है, क्योंकि फॉर्म नंबर 26, 29 और 30 आप ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करके उसे ऑलरेडी तैयार करके रखें। यहाँ से डाउनलोड करने का फ़ायदा आपको ये होगा, इसमें डिटेल्स आपको कुछ भी नहीं बननी है, सारी डिटेल्स आपको भरी भराई मिलेगी, आप केवल वही अटेस्ट करा सकते हैं। लेकिन वो फॉर्म आप पहले तैयार करके रखें तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो आपको केवल यहाँ से अपनी फीस पेमेंट
फीस पेमेंट है जो, उसकी रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आप सारी फाइल्स जो है अपनी अपलोड कर सकते हैं अप टू 200 KB। तो यहाँ पर 200 KB से नीचे आप अपनी सभी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे न्यू ऑनर हैं यानी जो ट्रांसफरी हैं उनका एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें फॉर्म नंबर 29 अपलोड करना होगा, फॉर्म नंबर 30 अपलोड करना होगा। उसके बाद जो बायर हैं उनकी एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी होगी, जिसमें आप आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। आधार नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको और ऑप्शंस देखने के मिल जाएंगे, जिसमें आप एनी अदर गवर्नमेंट आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सिलेक्ट करना होगा बायर का, उसमें भी आप आधार ही अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर हमने डुप्लीकेट आरसी अप्लाई किया है तो हमें यहाँ पर FIR भी अपलोड करनी है, लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर आपको FIR अपलोड करने की कोई ज़रूरत। उसके बाद हमारे जो गाड़ी के करंट ओनर हैं उनका फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें फॉर्म नंबर 26 अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर गाड़ी किसी और RTO से रजिस्टर्ड है पहले और करंट में किसी और RTO में रजिस्टर हो रही है, तो ऐसे में एक NOC सर्टिफिकेट आता है, तो जो गाड़ी पहले जिस RTO से रजिस्टर्ड थी वहाँ से एक NOC इशू होती है, वो NOC यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। अगर सेम RTO में आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे के नाम पे, तो वहाँ में आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे जो बायर है उनका, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो उसका जो फाइल का नेम होगा उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा तो यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप केवल सिंगल वर्ड में ही पूरा नाम रखिए, उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करते हुए ओके कीजिए और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। ऐसे ही करके हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद NOC अगर आपके पास नहीं है या फिर सेम RTO में ही है तो NOC को ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड फॉर फर्दर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी वही वाली विंडो ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद अब हमें इसे फाइनल सबमिट कर देना है, तो हम यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ टेक ए अपॉइंटमेंट नाउ टू विजिट RTO शेड्यूल डेट। तो यहाँ पर इसमें डेट लेना कोई कंपलसरी भी नहीं होता है, आप किसी भी डेट पर जाकर RTO में अपना काम करा सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो RTO की ऑनलाइन भी इसकी डेट ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होम पेज पर आ जाना है। वापस होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमने अपना फॉर्म जो सेव ड्राफ्ट किया था उस टाइम हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिला था, उस एप्लीकेशन नंबर को हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। गेट यूजर डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो सारी डिटेल्स है ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट पर क्लिक करके अपनी एक डेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस डेट को हम RTO ऑफिस में जाना चाहते हैं। तो हमारे फिलहाल देख सकते हैं जो रेड कलर से डेट आती है वो हॉलीडे होती हैं, और जो हमारी येलो कलर की डेट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, और जो ब्लू कलर से डेट्स आती हैं वो हमारी अवेलेबल डेट्स होती हैं। तो आप जिस भी डेट्स को सिलेक्ट करना चाहें उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑनलाइन का काम पूरा हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ट्रांसफ़र की फाइल आपको कैसे तैयार करनी है। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। तो यहाँ पर फाइल दिखाने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से ब्लर कर दिया है, तो वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन एक फाइल का आपको आइडिया भी लग जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल्स को समझ सकते हैं। वैसे मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले हमारे दो स्टाम्प तैयार होते हैं। एक हमारा बायर के नाम से स्टाम्प तैयार होगा, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक बायर के नाम से स्टाम्प तैयार होगा। उसके बाद एक जो हमारे विक्रेता हैं उनके नाम से एक एफिडेविट तैयार होगा। तो देख सकते हैं 10-10 रुपए वाले हमारे दो एफिडेविट यहां पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो फॉर्म नंबर 26 होता है वो यहाँ पर लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ब्लैंक फॉर्मेट का, तो उसे भी आप बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से फिल कर रहा होता है ये कि ये हमारा
विक्रेता के नाम से रहता है, लेकिन ये जो फॉर्म नंबर 26 है केवल डुप्लीकेट आरसी में ही इशू यूज होता है। तो बाकी अगर आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया तो उस केस में हम फॉर्म नंबर 26 की भी ज़रूरत पड़ी थी। केवल ट्रांसफ़र में आपको फॉर्म नंबर 26 नहीं चाहिए, केवल 29-30 चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर यह आ जाता है फॉर्म नंबर 29। जो फॉर्म नंबर 29 हमारा कुछ इस तरीके से भरा जाता है, तो फॉर्म नंबर हमारा 29 कुछ इस तरीके से भरा जाता है। और यहाँ पर अगर आपके फाइनेंस गाड़ी फाइनेंस पर होती है तो इस पर फाइनेंशियर के भी साइन कराने पड़ते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ इस तरीके के फ़ोटो अटैच होते हैं जिसमें क्रेता विक्रेता बोर्ड लेकर कुछ इस तरीके से खड़े होते हैं और गाड़ी के आगे और पीछे दोनों साइड से फ़ोटो को कैप्चर करके इसमें फ़ोटो लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म नंबर 29 में ही होता है। उसके बाद हमारा फॉर्म नंबर 30 भरा जाता है जो कि क्रेता विक्रेता दोनों के ही इसमें फ़ोटो रहेंगे और ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो के यहाँ पर साइन भी किए गए हैं। ये आरटीओ ऑफिस में बाबू द्वारा किए जाते हैं तो ये आपको अटेस्ट कराने होंगे आरटीओ से ही। तो ये दोनों साइन कुछ इस तरीके से होने चाहिए तभी आप इसे अपलोड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 29 अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको बायर क्रेता और विक्रेता दोनों के ही यहाँ पर आपको आधार लगा देने हैं। उसके बाद लास्ट में हमारी FIR है जो कि हमारी डुप्लीकेट आरसी की वजह से रही है। तो इसमें आपको पूरी फाइल को सेम रखना है, केवल आपको FIR और फॉर्म नंबर 26 नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा डुप्लीकेट आरसी के लिए रहता है, बाकी ट्रांसफर का बाकी सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस, आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप ये भी सीख गए होंगे कि आपको अपनी फाइल कैसे तैयार करनी है। तो सारे फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए आपको किस किस तरीके से भरने हैं। फॉर्म नंबर जो 29 है उसमें क्रेता और विक्रेता के व्हीकल के साथ आगे और पीछे दोनों साइड से ही फोटो लिए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और फॉर्म नंबर 30 में क्रेता विक्रेता के पासपोर्ट साइज फोटो लग के वो आपको आरटीओ से अटैच कराने होते हैं, देन उसके बाद ही अपलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको सारे फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, फॉर्म के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस पोस्ट पर जाकर आप फॉर्म नंबर 29 30 25 26 और 35 सारे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जो फॉर्म्स आपके लिए ज़रूरी रहते हैं वो यहाँ पर आप पहले ही आरटीओ में जाकर अटेस्ट करा लीजिए, देन उसके बाद अपलोड कीजिए। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद सारे फॉर्म्स को प्रिंट कर लीजिए। ऐसा करने से आपका फ़ायदा ये होगा आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे फॉर्म आपके ऑटो फिल होंगे, उसमें आप फोटो चिपकाने के बाद आरटीओ से अटेस्ट करा के उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।